शर्म करो इमरान, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? यही कहेगा कि दोनों में कितनी मोहब्बत है। सच कहूं शबनम, इन दिनों बहुत याद आती है तुम्हारी। रात भर तुम रात भर मच्छर बहुत काटते हैं आजकल। शबनम वो मैंने सुना है तुम्हारी खाला आई हुई है, ललन कह रहा था। अरे उनकी तो पूछो मत इमरान, कुदरत का करिश्मा है मेरी खाला। जब से आई है सबके नाक में दम किया हुआ है। नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते। अब्बू आप तो रहने ही दीजिए, उनकी तरफदारी मत कीजिए। अरे इमरान पूरी दुनिया में भी ढूंढोगे ना, हमारी खाला जैसी कोई दूसरी नहीं मिलेगी। सब बात में टांग अड़ाना और सुबह शाम मैदान जाना, वो भी मुझे साथ लेकर। मैदान मतलब? हाँ वो घर के शौचालय से तो नफरत है ना उन्हें। फिर? अब मुझसे तो ये सब नहीं संभलता। अरे खाना खाने से पहले हाथ धोना उन्हें फिजूल लगता है। उन्हें हाथ धोने की चाहे जितनी वजह बता दो, कीटाणु फैलते हैं, मक्खी मच्छर बीमारी होती है, यहाँ तक कि इन बीमारियों से लोग मर भी सकते हैं, मगर कोई फायदा नहीं। वो टस से मस नहीं होती और हाथ नहीं धोती। तब उनकी भी कोई मजबूरी होगी। हाँ मजबूरी है ना, मैदान खुले आसमान के नीचे है, शौचालय की चार दीवारी में तो उनका दम घुटता है। नहीं नहीं शुक्रिया। नहीं नहीं खाला ये हमारे पता है, मुझे खबर पहुंच चुकी है मुझ तक। माशाल्लाह क्या हसीन चेहरा है। हट चल तू जा उधर। कसम उड़ान चलने की, सच कहूं मियां आपने तो मुझे धर्मेंद्र की याद दिला दी। जीओ मैं। अरे बैठो, कसम उड़ान चलने की क्या लग रहे हो, बिल्कुल मेरे धर्मेंद्र की तरह। मेरा ना हमेशा से धर्मेंद्र ही हीरो रह चुका है। अरे पौलादी जिस्म, मर्दों में मर्द, लेकिन मैंने तो बस धर्मेंद्र को फिल्मों में और ख्वाबों में देखा है, लेकिन आज आपको देखकर ऐसे लग रहा है। बैठो भैया, क्या कर रहे हो, जैसे उनसे रूबरू मुलाकात हो रही है। तू तो बड़ी नसीबों वाली है रे शब्बू, क्या पसंद है तेरी। अरे हीरा है, हीरे का टुकड़ा, जन्नत का फरिश्ता है बिल्कुल। या अल्लाह इस जमाने में भी ऐसे चेहरे होते हैं। अरे खाला खाला ये क्या कर रही हैं? आपको गलत फहमी हो गई है, ये वो नहीं। अरे तो चुप रे, होने वाले शोहर की तारीफ सुनकर शर्मा रही। देखो तारीफ सुनकर। अरे आप बैठो ना, समुड़ान छल्ले की बिल्कुल धर्मेंद्र की तरह लगते हो। क्या नगीना चुना है तूने, नगीना? ये है इमरान, मेरे होने वाले शौहर। अच्छा ये कौन है? ये इनके दोस्त हैं, हमारे गांव के मास्टर जी हीरालाल। नमस्ते, नमस्ते। अरे बैठिए। कसम उड़ान छल्ले की, क्या आप हमेशा ऐसे लगते हो? वैसे
लड़का तो ये भी खूबसूरत है शब्बो, बिल्कुल कसरती नौजवान लगता है, रोबदार भी है, अपने जमाने में हकीम नवाब हुआ करते थे। अब जो भी है मियां, आपके यहाँ शौचालय तो आलीशान होगा ना? जी मैं समझा नहीं। अरे अपनी शब्बो पहले शौचालय देखती है बाद में इंसान, साफ सफाई तो इतनी जरूरी है उसके लिए, फिर चाहे इंसान की सूरत सीरत जैसी भी हो। अब तुम ही बताओ बेटा, इतने छोटे से कमरे में जहाँ हर कोई जाता है, वो जगह साफ सुथरी कैसे हो सकती है, और वो भी तब जहाँ चारों तरफ खुला मैदान हो और ताजी साफ हवा बह रही हो। अब तुम ही बोलो, वैसे तुमने तो ये साफ सफाई की बला नहीं पाली है ना? जी बला? अरे ये मुआ शौचालय जी, वो दरअसल नहीं बना है ना। चलो अच्छा हुआ। अब तुम ही बताओ बेटा, इंसान खेत में नहीं जाएगा तो लोग बिरादरी से मुलाकात कैसे कर पाएगा, है कि नहीं? वैसे भी आज के जमाने में किसी को किसी से मतलब ही नहीं है, न मिलना न मिलाना, अपना खाओ और सर खुजाओ। अबू, इमरान को शेरवानी का कपड़ा तो पसंद करना होगा ना? हाँ हाँ, तो चलो आओ। नहीं वो अबू, रंग मैं पसंद करवा दूँ? हाँ हाँ, अब तो तुम मियाँ बीबी एक दूसरे के लिए रंग चुनोगे, जाओ। अभी आता हूँ मास्टर जी। हाँ अब तुम जाओ, मैं उनका ख्याल रखूँ। बैठिए ना, अब तुम लोग जाओ अपना अपना काम करो। तो आप बताइए ना अपने बारे में कुछ। मैं क्या बताऊं? अरे वही सब कुछ बताइए ना। अब चलो तुम दोनों बाहर जाओ, वो अम्मी बुला रही है। अम्मी बुला रही है कि जीजा से प्यार की तो बातें करनी है। अच्छा भाई चलो चलो, कोई बात नहीं, चलो। शबनम, वो मैं तुम्हें बताने ही वाला था। कब? निकाह के बाद? क्या कह रही हो शबनम, मैं खुद तो शौचालय का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना शबनम, अपने अनीस भाई है ना, उनके घर है ना, बस। हाँ कभी कभी खेतों में भी। यकीन नहीं होता इमरान, तुम ऐसा कहोगे? शबनम पर मैं खुद ही नहीं, गांव के कई लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इससे ये सब सही नहीं हो जाता इमरान, मैं दुनिया जहान को शौचालय बनाने की और इस्तेमाल करने की नसीहत देती फिरती हूँ और खुद मैं खेतों में जाऊंगी। वाह शबनम वाह। शबनम मैं तो सोच ही रहा था कि निकाह से पहले शौचालय। निकाह से पहले ही क्यों इमरान, निकाह से बहुत पहले क्यों नहीं इमरान? क्यों, तुम्हें मालूम नहीं है खुले में खेतों में शौच जाना सेहत के लिए कितना बुरा है? इतनी सारी बीमारियां होती है इसकी वजह से, खासकर दस्त। और तुमने कभी सोचा है मैं एक औरत रात भी रात खेतों में कैसे जाऊंगी? मैंने कहा तो मैं शौचालय बनवा लूंगा शबनम, नहीं जाना पड़ेगा तुम्हें खेतों में। शबनम मुझे छोड़ो, पहले अपने आसपास के लोगों को देखो, कितने लोग अब भी खेतों में जाते हैं। अरे तुम्हारे अपने घर में तुम्हारी अपनी खाला, हमारे पंच गजानंद बाबू और मीना का भाई राजू, जिस ढाबे में मैं खाना बनाता हूं उसी ढाबे के पीछे राजू बैठकर, क्या तुम इन तीनों की आदतों में बदलाव ला सकती हो शबनम? बोलो। ठीक है मैं बदलूंगी उनकी आदत, खाला गजानन बाबू और राजू तीनों की खेत जाने की बुरी आदत को मैं बदलूंगी। और अगर नहीं बदल सकी तो ये निकाह नहीं होगा।
सबसे पहले कोई अच्छा सा वकील ढूंढिए बल्लभ भाई। हमें बहुत बुरा लगता है जब हम किसी का वक्त जाया करें, और उससे ज्यादा बुरा तब लगता है जब कोई हमारा वक्त बर्बाद करे। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।